ये देखिए अभी साई कैंपस में इवनिंग का ये सब व्यू वगैरह लाइट वगैरह। तो मैं अभी आपको उद्यान दिखाती हूँ। अभी गेट खुल गया है, उस टाइम में गेट खुला नहीं था। यहाँ पे देखिए ये शाही पालकी उद्यान। आपको दिखाते दिन में आए थे जो वीडियो क्लिप दिखाई थी उसमें गेट बंद था, अभी गेट खुल गया है। ये देखिए बाबा, उस टाइम में पानी नहीं गिर रहा, अभी बाबा जी मटका पकड़ के पानी डाल रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पे। साईशा वहाँ पे पानी कीचड़ है। इस घास में आओ। अरे माता हो। तो अभी हम लोग ये होटल आए हैं, यहाँ पे जैन फूड भी मिलता है। हम लोग आज जैन फूड खाएंगे। ये होटल इसलिए आए हैं कि साईशा के पापा यहीं पे जॉब करते थे, मतलब ये इसी ब्रांच का बैंक का। तो यहाँ पे साईशा के पापा बैंक में बैंक मैनेजर थे, तो ये होटल हमेशा खाते थे। तो उनके क्लाइंट आए हैं तो उनको लेके चलिए मेमोरी ताज़ा करते हैं। तो इसीलिए ये होटल अभी हम लोग आए हैं खाने के लिए। तो यहीं पे साईशा के पापा थे बैंक में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसी ब्रांच में थे। तो ये पास में एक होटल है, फैमिली रेस्टोरेंट देखिए स्वास्तिक बड़ा सा है। छेचा आया है क्या? छेचा छेचा बादाम छेचा। ये हमारा बिना प्याज लहसुन का चटनी आ गया है। इसके साथ ये ऐसे डिप करके खाना। ये मेरा आज का डिनर, चिली मशरूम और बटर नान। इसमें ये पूरा जैन है बिना प्याज लहसुन का। और वहाँ पे क्या मंगाए हैं, पनीर और दाल मखनी और नान। वो लोग प्याज वगैरह खा रहे हैं। मेरा पूरा, मेरा और मम्मी का नहीं, मेरा बिना प्याज लहसुन का है। यहाँ पे छोटे मम्मी मम्मी देखो, छोटा बेबी, छोटो बेबियों के सुलाने के लिए झूला है। यहाँ पे साईशा खेल रही है। दास पान करो, कितना वैरायटी सब पान है देख सकते हैं।
से जालते खत्म हो गया, क्या होगा अभी। अभी ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, अभी साईं बाबा का सोने के लिए उनको रात के लिए ड्रेस चेंज कर रहे हैं सोने के लिए। ये देखिए 3 रुपया का दूध है, तो अभी मैं दूध पीऊंगी थोड़ा सा। साईशा वहाँ पे डॉग को बिस्किट खिला रही है, देख सकते हैं। बिस्कुट खिला रही है, देखो पापा। गाड़ी भी आ गया है, सब ढोल बजा रहे। नाइट का व्यू शिरडी का, रात का आलती अभी स्टार्ट हो रहा है, हो गया स्टार्ट। देखिए आप लाइव देख सकते हैं, नमस्ते, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयदीपा महापात्रा। जैसे कि आप लोग को अभी तो सभी को पता है, मैं अभी शिरडी में हूँ। आज हमारा सेकेंड डे है शिरडी में। हम लोग कल सुबह 4 बजे आके पहुँचे थे और कल हम लोग पूरा दिन भर घूमे और रेस्ट भी किए। कल तो हम लोग आके थक के, बारिश भी हो रहा था ना, सो गए थे। सो के उठ के बाबा जी का दर्शन करने के लिए गए, उसके बाद हम लोग आके लॉन्च किए। लॉन्च करने के बाद फिर मैं आपको सब कुछ दिखाई शिरडी वाला ब्लॉग में। जो भी कोई अभी मेरे चैनल में देख रहे ये वाला वीडियो, तो प्रीवियस वीडियो जाके देखिए। मैं पूरा शिरडी का टूर दी हूँ, आज भी दूँगी। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी 10:30 बजने जा रहा है। और अभी देखिए यहाँ पे साईशा सोई है, अभी तक उठी भी नहीं है। उसको मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, अभी साईशा को रेडी करूँगी। और हाँ, कल जो इवनिंग में हम लोग गए थे रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, वहाँ पे मेरे हस्बैंड वही एरिया में बैंक में जॉब करते थे उस टाइम में। 6-7 साल यहाँ पे वो स्पेंड किए हैं, तो उनके बहुत सारे कॉलिग है, तो वो लोन डिपार्टमेंट में थे। तो वो उनके जो लोन वगैरह जिसको दिए हैं उनके साथ उनका एक बहुत अच्छा है। तो जब भी हम लोग शिरडी आते हैं वो हम लोग को बहुत घुमाते हैं, ऐसे खिलाते हैं, ऐसा ही सब कुछ चलता रहता है। तो आज वो लोग हमको आज इनवाइट किए हैं, वो भैया उनके घर जाने के लिए। और कल हम लोग को लेके भी गए थे खाना खिलाने के लिए। वो लोग जहाँ पे पार्टी करते थे और जो भी कुछ करते थे पहले उस टाइम में, जब बैचलर वगैरह थे, जब वो यहाँ पर जॉब करते थे, वहाँ पर खाना खाने जाते थे वहाँ पर। तो हम लोग को वही मेमोरी उनका ताज़ा करने के लिए वो लोग गए थे, तो हम भी साथ में गए थे। तो ऐसा कुछ रहा, तो ये रहा अपडेट कल का। तो आज अभी तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, अभी हम लोग जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए, कुछ खा के जाएंगे। और वो मुझे तो बहुत थोड़ा सा भूख भी लग गया है,
तो अभी खा के जाएंगे और मंदिर दर्शन करके आने के बाद फिर उनके घर डायरेक्ट चले जाएंगे 12:30-1 बजे। और ऐसा ही कुछ है। और मैं अभी ठीक हूँ, मेरे फ्रेंड लोग अभी मोबाइल वीडियो देख रहे होंगे अगर, तो बोलेंगे इसका तबीयत इतना ख़राब था तो वो कैसे चली गई। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ। और यहाँ पे आके मैं और भी बहुत अच्छी हो गई। घर में एक जेल टाइप का लग रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा चलना फिरना और दर्शन करना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी ठीक हूँ और ऐसा ही कुछ है। और तो अभी मैं जल्दी जल्दी रेडी होती हूँ, आगे क्या होता है क्या। और उनके घर में तो मैं ब्लॉग, किसी के घर में ब्लॉग बना पाना अच्छा नहीं लगता, तो देखती हूँ जो भी जितना हो पाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं आज कहाँ कहाँ क्या की मैं आपको सब कुछ अपडेट दूंगी। चलिए मिलते हैं। देखो रुको, खड़े हो के दिखाओ। साई सा रेडी हो गई हो जाने के लिए मंदिर? ये है मिसल पाव, आज का मेरा ब्रेकफास्ट। बहुत दिन हो गया खाते हुए। साई सा देखो कितना गार्डन है, कितना सुंदर गार्डन है। हाय, देख दीदी, दीदी को नाम पूछी तुमने? दीदी का हाथ कैसे फ्रैक्चर हो गया पूछो तो। शैशु, दीदी का हाथ देखो कैसे टूट गया। तो उनके घर से हम लोग लंच करके आ गए, तो वहाँ पे उतना मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे आने के बाद सुबह क्या हुआ था, हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए। दशहरा था, बहुत भीड़ था, तो इसलिए हम लोग दर्शन नहीं कर पाए थे। चले आए थे क्योंकि आरती का टाइम हो गया था, तो वो बंद कर दिए थे 2 घंटा 1.5 घंटा के लिए। मतलब 12 भी नहीं बजे था, 11:45 से पूरा बंद कर दिए थे 1 बजे तक। तो हम लोग और क्या लाइन में खड़े रहेंगे, तो हम लोग आ गए रिटर्न करके, क्योंकि हम लोग को जाना था उनके घर। तो फिर अभी हम लोग सोचे कि अभी शाम को चलते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन जब दर्शन करने के लिए आए, पालकी यात्रा, हम मतलब दशहरा के लिए पालकी यात्रा बाबा के पास होता है। तो फिर सोची मैं रूम से मोबाइल ले आती हूँ, आप लोगों के लिए दिखाऊंगी, वीडियो शूट करूँगी। तो इसलिए फिर रूम जाके मोबाइल ले आई, तो उसके बाद मैं वीडियो शूट की। नहीं तो मंदिर तो अलाउ नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल को रूम में रख के जाते हैं। तो ये पालकी यात्रा होगा, अभी पूरा सब रास्ता बंद, ब्लॉक कर दिए हैं, नहीं जा सकते दर्शन करने के लिए। तो पालकी यात्रा ख़त्म होने के बाद फिर सब रास्ता खुलेगा इस साइड का, फिर हम लोग जाके दर्शन करेंगे। तो यही सोच के मैं मोबाइल ले आई थी। तो अब चलिए मेरे साथ पूरा पालकी यात्रा देखिए आप लोग भी। तो अभी साईं बाबा का पालकी द्वारका माई गए हैं, तो वहाँ पे अभी पूजा वगैरह थोड़ा सा होगा, फिर हर जगह वो चारों तरफ मंदिर पूरा पालकी यात्रा होगा। तो उसके बाद फिर मंदिर के अंदर साईं बाबा चले जाएंगे। Thank you.
खाली कितना भीड़ देखिए, मतलब हर जगह हर तरफ भक्त ही भक्त है। तो क्योंकि आज दशहरा भी है, पूरा बहुत भीड़ लगा था, मतलब क्या ही बताओ, बहुत भीड़ था। खाली पालकी आते में जो लोग लोकल लोग जो मंदिर के जो सेवा भी करते हैं वही लोग थे, और सब बाहर के लोग थे। हम लोग देखिए कितना पीछे खड़े हैं, और यहाँ पे सब लाइन लग के लोग सब देख रहे हैं, भक्त सब देख रहे हैं साईं बाबा का पालकी को। अभी वहाँ पे पालकी यात्रा हो गया उस साइड, तो अभी दूसरे साइड पालकी यात्रा चल रहा है। तो अभी रोड खोल गया है, रास्ता वगैरह, तो अभी हम लोग आ गए हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे जो उत्सव कुछ हो रहा है देख सकते हैं। आज ऐसा हुआ, दशहरा के दिन हम लोग दो दो बार घूमे मंदिर। जब हम लोग एक बार मंदिर घूम के आ रहे थे, फिर पालकी यात्रा हो रहा था लास्ट, मतलब फिर मंदिर वो चला जाएगा पालकी, तो उसी टाइम में वहीं पे पालकी यात्रा हो रहा था। तो हम लोग देखे, तो जो जब जिस टाइम में पालकी जाता है मंदिर, फिर से उसके साथ भी आप लोग पूरे एंट्री डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग पालकी के साथ फिर से हम लोग अंदर चले गए, फिर से और एक बार बाबा जी का दर्शन हो गया। तो आज के लिए इतना ही, रहते नमस्ते, जय जगन्नाथ, ओम साई राम, बाय।